हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी कि नेट जेआरएफ और पीएचडी करने टाइम पर आपको कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप है जिसका आप लाभ उठा करके इकोनॉमिक रूप से सबल होकर के पीएचडी कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के, बिना कोई चिंता के। तो उसी सीरीज को मैंने, उस सीरीज के लिए 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही खास, बहुत ही बेमिसाल स्कॉलरशिप स्कीम आपके लिए लेकर के आया, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और आपको और भी, अगर जो मैंने वीडियोस पहले बनाए, प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, उसके अगर आपके लिंक चाहिए तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट से वो सारे स्कॉलरशिप की स्कीम की वीडियो देख सकते हैं, जिससे खुद आपका भी फायदा होगा या आपके कोई घर या आपके कोई दोस्त फायदा होना ही होना है। और अगर आपको उसके बारे में पता चलता है तो कोई ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं तो उनको जरूर बताइए, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तेजस की यही पहचान, वो हमेशा सहयोग करने के लिए स्टूडेंट के लिए खड़ा है। ठीक है, और ये स्कीम बहुत सारी होती है, लोगों को पता भी तो लोग बताता नहीं, बताते नहीं है टीचर नहीं, लेकिन तेजस ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो सारी बात बताता है जो स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। और यदि आप लोग भी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ करके नेट जेआरएफ एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। कुछ नए बैच 22 तारीख सोमवार से स्टार्ट होने वाला है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है सर, वो स्कॉलरशिप स्कीम क्या है जिसके बारे में आप बताने जा रहे हैं, तो सीधा ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर, पैनल के स्क्रीन पर, और वहां दिखाता हूं कि कौन से स्कॉलरशिप वीडियो स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप का नाम होगा नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, NFPWD। ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज आते हैं, जिनको लगता है कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं सर, आपके लिए पूरा संसार खुला हुआ है, सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं हमेशा, जहां तक मदद होगी मेरी तरफ से पूरी कोशिश की करवाई जाएगी ताकि आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाए, PhD करें। ठीक है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ को फॉलो करने पड़ेंगे, जो एलिजिबिलिटी है उसको देखनी पड़ेगी। हर एक साल 200 स्टूडेंट्स को PhD करने के लिए नहीं, हर एक साल 200 स्टूडेंट को PhD करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। कितने का स्लॉट होता है? 200 स्टूडेंट्स का, 200 स्टूडेंट्स का स्लॉट दिया जाता है। ठीक है, इसका लाभ आप कैसे उठाएंगे? तो लाभ उठाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी, इट मे बी नोटेड दैट ओनली सिलेक्शन विल बी मेड बाय UGC, UGC के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा, और एनी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हु हैज बीन एडमिटेड टू PhD डिग्री नहीं या पर्सुइंग रिसर्च, ठीक है, रेगुलर रूप में वो क्या कर रहे हैं, PhD में क्या इनरोल हो, PhD डिग्री के अंदर वो क्या होनी चाहिए, इनरोल होनी चाहिए रेगुलर मोड में। किस रूप मोड में? रेगुलर एंड फुल टाइम मोड में, तभी इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। और स्कॉलरशिप का लाभ आपको मैक्सिमम पीरियड कितने, 5 साल तक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 साल तक आपको इसके लाभ मिलेंगे, मतलब 200 स्लॉट्स आपको 5 साल तक PhD का मिल रहा है, और मतलब 200 स्टूडेंट को पढ़िए 5 साल तक मिल रहा है अगर आप PhD के अंदर रेगुलर फुल टाइम PhD के अंदर इनरोल है, एडमिट है तो। ठीक है, चलिए कैसे करना है इसके लिए। अब अगर PhD के लिए 5 साल का मैक्सिमम मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, सबसे पहले अमाउंट ही दिखा दिया गया कितना अमाउंट मिलेगा। तो फेलोशिप जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ₹31,000 पर मंथ मिलेगा। क्या मिलेगा? ₹31,000 पर मंथ आपको मिलेंगे, पर मंथ कितनी? ₹31,000। कितने साल तक? 5 साल तक। जब ये आप JRF होंगे उस समय, JRF के तौर पर जब आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाएंगे तो वो अमाउंट कितनी हो जाएंगी? 35,000 हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपको कंटीजेंसी भी मिलेगा ₹10,000 JRF के टाइम पर 2 साल तक। अगले वाले साल में आपको ₹20,500 क्या मिलेगा? पर ईयर आपको क्या मिलेंगे? कंटीजेंसी मिलेंगे, जिसमें आप किताब, कॉपी, कलम, टूर वूर जो भी करना है कर सकते हैं। इसके बाद एक्सकॉर्ट रीडर, अगर आप एक्सकॉर्ट रखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई जो PW कैंडिडेट्स हैं, भाई क्या है, अक्षम है चीजों करने में, तो एक्सकॉर्ट रख सकते हैं, एक अपने साथ असिस्टेंस रख सकते हैं, उसके लिए भी सरकार 2,000 पर मंथ हमको देगी। क्या देंगी? 2,000 पर मंथ देंगे। देखिए कितना कर रही है गवर्नमेंट आपके लिए। और आपको HRA भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? HRA भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? HRA भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेंगी, जिस शहर में आप रह करके PhD कर रहे हो उसके अंदर।
वहां पर, वहां के जो एचआरए जो कैटेगराइज किया गया है उस हिसाब का आपको एचआरए भी दिया जाएगा। क्लियर बात? चल इसके बाद नोट, आफ्टर टू इयर्स फेलोशिप द प्रोग्रेस सर्टिफिकेट रिपोर्ट आपको क्या किया जाएगा, एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सर इसके लिए मेडिकल लीव सब कुछ दी गई है। सर यहां पर रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, कैंडिडेशन अवार्ड, इसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या होती है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सब कुछ दिया गया, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, आपको आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। बोला कि और यहां जो कैंडिडेट को जो मिलेगा उसके लिए अर्हता देख लीजिए, यहां पर अर्हता दी गई है। द सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजी एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि सावधानी से पीएचडी पीजी करो, स्टूडेंट सबको क्लासेस जाओ, क्लासेस रेगुलर करो, नहीं नहीं होती है ज्वाइन करो तेजस, वहां पर सारी फैसिलिटी मिलेगी। पीजी एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स सिक्योर होंगे, इसमें पीजी एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स सिक्योर होंगे ना बॉस, उस मार्क्स के बेस पर, उस मार्क्स के बेस पर ये एनएफपीडब्ल्यूडी आपको नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मिलेगा। केवल पीजी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं उसी पर आपको मेरिट बनेगा, 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेंगी। लगभग अमाउंट को आप कैलकुलेट करेंगे ना, जो पीडीएफ आपको मैं भेज रहा हूं उसको कैलकुलेट करके देखना, करीबन 22 लाख प्लस, जी हां 22 लाख प्लस की आपकी क्या मिलेंगे स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे, 22 लाख प्लस के। ठीक है, तो है ना स्कीम आपके लिए फायदेमंद। तो इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट आती है, इसके लिए लगभग जो जून और जुलाई के लगभग मिड में एक एडवर्टीजमेंट आती है, तो आपको क्या करनी है, जो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। जिस समय अप्लाई होंगी आपको अप्लाई कर देनी है, आपको आपका सिलेक्शन होगा, आपको क्या किया जाएगा, आपको आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगे, फिर आपको वहां से क्या मिलेंगे एक डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा जेल अवार्ड लेटर मिलेगा। उस अवार्ड लेटर को क्या करना है, अपने विश्वविद्यालय में जमा करना है, उस दिन से आपको क्या हो जाएंगी स्कॉलरशिप शुरू हो जाएंगी 5 साल तक। तो सोचो 22 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको पीएचडी करने के लिए, तो क्यों नहीं कर रहे हो पीएचडी, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं हायर स्कूल में पढ़ाई करेंगे, कैसे क्यों लोग कहते हैं कि भाई वैसे, अरे भैया पैसा रहेगा अच्छा से तो आप क्या कर सकते हैं पीएचडी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो कुछ भी और है, और एक दिन एक बार पीएचडी कर लिया अच्छे से सब कुछ हो गया, प्रोफेसर बनना तय है, सैलरी जानते ही आप, फैसिलिटी जानते हैं, इज्जत मान सम्मान सब कमाओगे, वो कमाइए। ठीक है, इधर उधर ना भटकी, युवाओं से मेरा आग्रह है। ठीक है, और अगर आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, पेजेस के पास है, आपको पूरा का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इनका फायदा हो सके। और भी अगर आपको कुछ स्कीम के बारे में जानना हो, कुछ भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो जरूर क्रिएट करूंगा, पीएचडी से संबंधित, नेट जीआरएफ से संबंधित, जो कुछ भी आप कहोगे उस पर जरूर वीडियो शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।